आज हम आपको जो घटना बताने वाले हैं वो ना आपने कहीं सुनी होगी और ना ही शायद कहीं पढ़ी होगी। ये घटना है मुल्तान नगर की। पूरी घटना सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि बेबीलोन सिविलाइजेशन में जैन धर्म का व्याप कितना था। हमें विश्वास है कि आपको कुछ नया जानने मिला ही होगा। आज हम आपको थोड़े और पश्चिम की ओर ले जाना चाहते हैं। आज जहां जैन धर्म का शायद शेष अवशेष भी नहीं मिलता, वैसे टर्की की यह घटना है। पांच नदियों का राज्य पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, वो मुल्तान शहर, वहां पर विक्रम की 17वीं शताब्दी की यह रोमांचक घटना है। मुगल राजा शाहजहां का प्रचंड सूर्य तप रहा था। तब मुल्तान नगर में जैनों की बड़ी आबादी थी। भारत और टर्की के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत घनिष्ठ थे। इसीलिए एक जैन श्रावक अपने व्यापार को विस्तृत करने के लिए जा पहुंचे टर्की में। श्रावक का नाम था ठाकुर बुलाकीदास, मूल राजस्थान के वे रहवासी थे। टर्की में आज के इस्तांबुल नगर से 570 कोस दूर, अब एक कोस लगभग 3.2 किलोमीटर होता है, तो 570 कोस दूर तारतांबोल नाम के नगर में पैर रखते ही उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्हें आंखों के सामने बड़े बड़े महल नजर आए। वे महल वहां देखकर उन्हें अजीब सा लगा। एक महल में उन्होंने प्रवेश किया, अंदर देखा तो सफेद कपड़ों में भारत में दिखते जैन साधु उन्हें नजर आए। बाजू में ही एक 4 मंजिला ऊंचा जैन मंदिर उन्हें दिखा। मंदिर में भगवान के दर्शन करते ही वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने बाजू में जाकर एक साधु भगवंत को विनीत भाव से पूछा, यहाँ पर कौन से आचार्य भगवंत विराजमान है? सुमधुर वाणी में साधु भगवंत ने कहा, यहाँ के राजा, यहाँ की प्रजा में जैन धर्म की आस्था बढ़ाने वाले तारण तरणहार युग प्रधान आचार्य उदय प्रभ सूरी जी यहाँ विराजमान है। लोगों की आस्था गजब की है। श्रावक ठाकुर बुलाकीदास प्रफुल्लित मन से वहां से बाहर निकले। खुद के व्यापारिक कार्य निपटाकर वे और भी जैन मंदिर और जैन उपाश्रय को देखने और जानने चल पड़े। ऐसे एक नहीं, अनेक उपाश्रय उन्हें दिखाई दिए। इतना ही नहीं, श्रावकों की आराधना के लिए अनेक औषध शालाएं और ज्ञान की महिमा बढ़ाने वाले ज्ञान भंडार की पंक्तियां उन्हें नजर आई। उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, जैन धर्म सचमुच जयवंता है। वे अपनी यात्रा को संपूर्ण कर फिर से मुल्तान नगर लौटे। उन्होंने जो जैन स्मारक देखे थे वे भुला नहीं पाए और उन्होंने उसको चिरस्थायी करने के लिए अपना पूरा विवरण अपने मित्र और परिवार जनों को लिखा। आज भी वह विवरण दिल्ली के रूपनगर कॉलोनी में स्थित जैन श्री शांतिनाथ जी के मंदिर में विद्यमान हस्तलिखित ज्ञान भंडार में सुरक्षित है। और उनका यही विवरण देखिए, भाषा पुरानी राजस्थानी होने से शायद आपको कुछ कम ख्याल आए, पर उनके शब्दों को स्पर्श करना आवश्यक है। तहा इस्तांबुल नगर बसे छे, तिहाती 500 कोस बप्पर कोट छे, तिहाती 70 कोस तारतांबोल छे, पिछिम दिस समिंदर काटो नोडो छे, तटे जैन पड़ा साध पौषद साल सुतपद अनेक मंडन माहे प्रताव छे, श्रावक श्राविका साधु साध्वी अनेक मंडन माहे छे, तिहा उदय प्रभ सूरी युग प्रदान जति छे। इस बात को पुष्ट करने वाली और एक घटना आपको हम बताना चाहते हैं। आज से तकरीबन 140 वर्ष पहले टर्की के पूर्वी भाग में इसी स्थान पर जमीन खोदते समय एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक वृक्ष पन्नों पर लिखी हुई थी। टर्की में रहे ब्रिटिश व्यक्ति ने उस पुस्तक को खरीद कर कलकत्ता भेज दिया। उस काल के विद्वान प्रोफेसर हार्नल ने उसे पढ़कर उस पर एक निबंध लिखा। उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह जो पुस्तक मिली थी वह गुप्तकालीन देवनागरी लिपि में है। आयुर्वेद के अनेक रहस्य उसमें छिपे हुए थे। वह लगभग 1500 साल पुरानी है। ऐसे एक नहीं, कितनी ही 1700 से 1800 प्राकृत संस्कृत भाषा के ग्रंथ वहां से मिले। जितने अवशेष भारत में नहीं मिले उतने अवशेष टर्की में मिले हैं, वैसा इतिहासकारों का भी मानना है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बातों में कितने तथ्य हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस के अनेक म्यूजियमों में टर्की में से निकले अवशेष सुरक्षित है। और स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग नाम की एक पुस्तक श्रीयुत एनसी मेहता ने 1926 में प्रकाशित की थी।
उसमें उन्होंने एक जर्मन पुस्तक के आधार पर लिखा था कि टर्की में जो अनेक स्थानों में प्राचीन चित्र मिलते हैं उनमें जैन धर्म से संबंध रखने वाली अनेक घटनाएं भी चित्रित हैं। वह पुस्तक आप देख सकते हैं। ऐसी तो कई देश की घटनाएं जैन मीडिया आप तक पहुंचाएगा। हमारे साथ बने रहिए। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर जैन मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और Facebook पर जैन मीडिया Facebook पेज को लाइक करके फॉलो कर सकते हैं। नमो जिन शासनम।